बोले श्री राधा रानी सरकार की जय, बोले बरसाने वाली की जय, ऋषभान की दुलारी की जय, जय जय श्री राधे श्री राधा मेरी स्वामिनी Yeah.
Krishna,
भाई सबसे अच्छा दिन उपस्थित हुआ है, क्यों? क्योंकि आज घर में संत लोग साधु लोग आए हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं क्या, मंगल भवन अमंगलहारी। हम लोग सुनते हैं ना, क्या है मंगल चीज है? क्या पैसा मंगल देता है? क्या घर में पुत्र परिवार जन्म हो तो उससे मंगल होता है? बोले हाँ, उससे थोड़ा बहुत मंगल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंगल की चीज क्या है? बोले किसी दिन अगर भगवान का भजन सुनने को मिल जाए, किसी सत्संग करने को अगर मिल जाए, तो वो सबसे बढ़िया दिन है, वो सबसे मंगलमय दिन बताया गया है। जिस दिन घर में संत लोग आ जाए, उससे क्या होता है, घर पवित्र हो जाता है। क्योंकि भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि मैं कहाँ विराजता हूँ, जहाँ मेरे संत लोग रहते हैं, जहाँ मेरे सत्संग लोग सत्संग करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं, वहीं पर मैं विराजमान रहता हूँ सब समय। हाँ, और संतों के साथ में क्या होता है, संतों के साथ में भजन कीर्तन इन्हीं सब के, इसलिए साधु संघ का बड़ा महत्व बताया गया है। इनके बहन के घर में, ये तो बता रहे। तो इसलिए साधु संघ की बड़ी महिमा बताई गई। देखो शास्त्रों में एक श्लोक आता है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति संत समागमम। क्या बता रहे हैं, गंगा पापम, कि अगर गंगा में जाकर स्नान करोगे तो उससे आपके पाप धुल जाएंगे, है कि नहीं? अभी बड़ौद से गंगा हरिद्वार कितना दूर है? 100-150-200 किलोमीटर कुछ होगा। यहाँ से सर्दी में इतना कष्ट करके वहां जाना पड़ेगा, फिर सर्दी में कपड़े उतारने का मन नहीं करता, वहां स्नान करना, हाँ, ठंडा ठंडा पानी जो गंगा का बह रहा है उसके अंदर स्नान करना तो और दूर की बात। यहाँ सुबह सुबह गर्म पानी में स्नान करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वहां जाकर अगर स्नान करोगे, स्नान करने के बाद में पवित्र हो गए, गंगा पापम, हमारे जो पूर्व पूर्व जन्मों के सारे पाप हम संचय करते हैं, वो जाकर गंगा स्नान करने से उन पापों की निवृत्ति हो जाती है। बाह्य रूप में देखा जाता है कि हमारे शरीर के पाप सारे चले गए, लेकिन फिर बाहर आकर क्या करते हैं, फिर वापस पाप करना चालू कर देते हैं, करते कि नहीं? देखो, जो लोग पुरुष लोग बाहर धन कमाने जाते हैं, बड़े कष्ट से धन कमाते हैं, जो लोग स्त्री भी घर में काम करते हैं, आगे पीछे किसी न किसी रूप में पाप होती हैं। पाप कर, यद्यपि जो पाप अब तक संचय किए थे वो सारे धुल गए, लेकिन जो मन में पाप करने की वृत्ति है, वापस आकर भी तो पाप ही कर रहे हैं, तो वो करने की वृत्ति खत्म हुई, वो करने की वृत्ति खत्म नहीं हुई। लेकिन गंगा पापम, ठीक है, लेकिन साधु का संघ क्या बताया गया है कि साधु संघ इन सारे पाप को हर लेता है पूर्ण रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो पाप करने की वृत्ति है, पाप करने की वासना है, साधु उसी को ही नष्ट कर देगा। एक बार देखो, पुराणों में एक कथा आती है कि गंगा में स्नान करने पर पवित्र हो जाओगे, ठीक है, बाह्य रूप में आप मानते भी हैं, लेकिन लोगों की आजकल ये धारणा ही रही रह गई है कि गंगा वही पवित्र वस्तु है, वही भगवान का चरणामृत है जो हमको पवित्र कर सकता है, है कि नहीं? पुराण में एक कथा आती है, देखो, एक बार पार्वती जी शिव जी से कहती है कि प्रभु, आपने आपके अपने पतित पावनी गंगा आपके मस्तक पर धारण कर रखी है, ये गंगा क्या है? जब वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप लिया था, पूरा विशाल रूप लिया था, तो उनका एक चरण जब ऊपर बढ़ा तो ऊपर आकाश में विरजा नदी में उनका नख जाकर लगा, वहीं से पानी गिर गया, उनका चरणामृत, उनका चरण का अभिषेक करते हुए उसी को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया, और वही बाद में शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, भगीरथ जी इस जगत में लेकर आए, है कि नहीं? तो गंगा क्या है? भगवान का चरणामृत है। तो इतना निर्मल जल, भगवान का साक्षात चरणामृत, जिसको जिसके अंदर यदि कोई स्नान करे, उसका कोई आचमन करे, उसका पान करे, तो उसकी तो वैकुंठ की गति हो जानी चाहिए, फिर भी इतने सारे लोग नर्क में क्यों जा रहे हैं, आप ऐसा बताओ इसका क्या कारण है? तब वहां शंकर जी कहते हैं कि लोगों को मैंने पतित पावनी गंगा तो इस धराजाम पर भेज दी है, लेकिन लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा हमको स्नान करने पर पवित्र कर सकती है। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे आप बता रहे हैं? बोले चलो अभी मर्त्य लोक पर चलते हैं। वहां पर क्या किया, पार्वती देवी और प्रभु जी, पार्वती मैया और शंकर जी वहां पर गए गंगा तट पर, और शंकर जी वहां पर एक गड्ढे के अंदर गिर गए, माता सती भेष बदला के, और पार्वती बाहर खड़ी थी और बड़ी रो रो कर बोली, बोले कोई हो तो मेरे पति को बचा लो, ये गड्ढे में गिर गए हैं, इनको बाहर निकालने में मेरी मदद करो। हाँ, सुनो ध्यान से। तो जब वहां से जो भी निकल रहा था उसको बोलती थी, बोले आप मेरी मदद करो, मेरे पति को बाहर निकाल दे, गिर गए हैं। जो लोग गंगा स्नान करके आ रहे हैं सब एक एक करके बोले चेष्टा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्वती वहां पर सावधान कर दे रही थी। क्या बोल रही थी? बोले देखो, अगर तुमने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को हाथ लगाना, अगर तुम, क्योंकि ये कौन है, सिद्ध पुरुष है, अगर तुमने इनको हाथ लगाया, अगर तुम पापी हो तो तुम वहीं पे जल के भस्म हो जाओगे। अभी जो लोग स्नान करके आ रहे थे सोच रहे थे कि पाप नहीं किया, चेष्टा करते लेकिन कोई आगे हिम्मत कर नहीं पाते, क्योंकि सबने कोई ना कोई पाप किए ही हैं।
ठीक है, वहां से एक व्यक्ति आया, दो व्यक्ति आया, दूसरा आया, उसने उसने पूछा बहन क्यों रो रही हो, बोले मेरे पति अंदर गिर गए हैं, आप इनको बाहर निकाल दो, लेकिन बस एक शर्त है कि अगर आपने कोई पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को हाथ लगा सकती हो, ये सिद्ध महापुरुष है, इनको हाथ लगाओगे तो भस्म हो जाओगे यदि पापी हो। वो भी वहां से चला गया। बाद में वहां से एक शराबी गुजर रहा था, शराबी क्या किया, बोतल हाथ में है, पीता पीता गया, गंगा में कैसे गिर गया, वहीं पे गिर के वापस उठते उठते वापस आ रहा था, तब बोला, उसने भी पूछा बोले क्यों रो रही हो, बोले ऐसी ऐसी बात है, मेरे पति को बाहर निकलना है, तो बोले मैं निकाल देता हूँ, बोले तुम तो शराब पी रहे हो, मैंने क्या कहा तुम पापी हो, जो शराब पीना पाप है, तुम खुद शराब पी रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर पापी हो तो मेरे पति को हाथ मत लगाओ। हाँ, तो वो पार्वती जी को बोलता है कि मैं अभी भी तो जाके गंगा में स्नान करके आया, गंगा में स्नान करने पर तो सारे पाप धुल गए, मैं पापी कहाँ रहा। हाँ, ये सुनते ही वहां से शंकर पार्वती दोनों अदृश्य हो गए। तो लोगों को ये विश्वास नहीं है, उस जिस प्रकार उस शराबी को विश्वास था कि यद्यपि मैंने शराब पी है लेकिन गंगा स्नान करने पर मैं पूर्ण रूप से पवित्र हो गया, लेकिन बाकी के लोग जो वहां पर आए थे उन्होंने बाह्य रूप में तो स्नान किया था गंगा के अंदर, लेकिन उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि गंगा स्नान से हमारे पाप धुल गए, इसलिए वो उस महापुरुष को स्पर्श करने से डर रहे थे, है कि नहीं। तो हमारा विश्वास भी कुछ ऐसा ही है, गंगा जाकर हम स्नान तो कर लेंगे लेकिन हमें विश्वास भी नहीं है कि गंगा जल वही भगवान का चरणामृत है जो हमको पवित्र कर सकता है कि नहीं। तो गंगा पापम, बाद में बता रहे हैं शशि तापम, चंद्रमा वो क्या है, हृदय के ताप को हरण कर लेता है। हाँ, दैन्यम कल्पतरुस्तदा, कि अगर कोई कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष से आप जो भी मांगो वो आपको आपकी मनवांछित चीज पूरी कर देता है। लेकिन पापम तापम च तापम च हंती संत समागम, क्या है कि अगर सत्संग कहीं पर हो तो ये तीनों चीज आपको प्रदान कर देगा, अर्थात आपके पाप हरण कर लेगा, आपको हृदय में शांति मिलेगी और जो आपके मन की इच्छा है वो ही पूर्ण हो जाएगी। अभी पाप कैसे हरण कर लेगा, क्योंकि संत जी लोग अगर घर में आएंगे क्या करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, इसलिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, भगवान का नाम क्या है, मधुरम मधुरम मेतक मंगलम मंगला नाम सकल निगमवल्ली सत्फल चित स्वरूपम, कि भगवान का नाम अगर साधु संघ के साथ में अगर कोई करे तो वो मंगल से भी मंगल चीज है, संसार में जितनी मंगलमय वस्तु है वो एकमात्र भगवान का नाम दे सकता है। हाँ, जो अभी हम कर रहे थे ना महामंत्र, भगवान का नाम वो क्या है, आपको जो आपकी वांछा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आप अगर भगवान से मांगो, भगवान को पूर्ण करने में सक्षम है। ठीक है, आपके हृदय में जो ताप है वो एकमात्र भगवान की कथा सुन के, जैसे देखो कहीं पर कोई हर कोई इस जगत में दुखी है, कोई घर में दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, किसी ना किसी प्रकार से हम इस जड़ जगत में दुखी ही हैं, लेकिन इससे हमको उतार कौन सकता है, हमको सुख कौन प्रदान कर सकता है, एकमात्र भगवान की कथा, भगवान का नाम। इसलिए बता रहे हैं सकल निगमवल्ली, कि अगर कोई एक बार सक्रिय अपि परिहितम श्रद्धया हेलावा, कि अगर कोई एक बार ही भगवान का नाम ले, एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक बार क्या था, एक गुरु चेला था और उस चेले का जो भाई था, दो भाई थे, वो एक तो भगवान का भजन करता था, भगवान की भक्ति करता था, दूसरा कभी भजन साधन करता नहीं था। तो इसने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, अपने गुरुजी को एक बार घर में बुलाऊंगा और गुरुजी से इसको कहूंगा कि ये उनको कुछ उपदेश दे, मेरे भाई को उपदेश देंगे तो वो भी भगवान के भजन में लगेगा। अभी गुरुदेव जिस दिन घर आए, इस दूसरे भैया को पता चल के बोले आज तो संत लोग आने वाले, ये पहले से अपना दरवाजा बंद करके बैठ गया ताकि किसी बाबा से मिलना ही ना पड़े, मेरे को क्या सत्संग का उपदेश देंगे, ये सोच के वो दरवाजा बंद करके बैठ गया। गुरुजी आए, बढ़िया संत कीर्तन कथा हुई, उसके बाद में जाते जाते उसने बोला कि गुरुजी मैं मुख्य उद्देश्य तो था कि मैं अपने भाई से आपको मिलाऊं, ये तो लेकिन आपको देख के कमरे में बंद हो गया, ये बाहर ही नहीं निकल रहा है, बोले चलो हम देखते हैं। गुरुजी जाकर खटखटाए, बोले बेटा बाहर निकलो, बोले मैं बाहर नहीं निकलूंगा, बोले जरा बाहर निकलो, एक बार कृष्ण नाम बोलो, एक बार राम नाम बोलो तो। वो क्या बोलता है, बोले मैं कृष्ण नाम नहीं बोलूंगा, मैं राम नाम नहीं बोलूंगा, बोले बेटा अब तो तुमने एक बार कृष्ण बोल ही दिया, राम बोल ही दिया, पर एक काम करना, तुम ये एक बार जो तुमने मेरे मुख से सुन के, सदगुरु के मुख से सुन के भगवान का नाम लिया है, इसको कभी तुम बेचना मत, इसके विनिमय में कभी कुछ तुम लेना मत, इसको बेचना मत। उसने बोल दिया ठीक है। उसके बाद में गुरुजी वहां से चले गए। इसने एक बार क्या किया था, सदगुरु के मुख से सुन के और कृष्ण नाम लिया था। जब इसका अंतिम समय हुआ, पूरे दिन भर पूरे जीवन भर तो भगवान का भजन किया नहीं, पाप किए, तो ले गए इसको यमलोक। चित्रगुप्त को यमराज ने बोला इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलो, क्या इसने किया क्या नहीं किया।
पूरा इसका जब देखा गया रिकॉर्ड, पता चला कुछ भी इसने पुण्य काम नहीं किया, कोई भी सत्कर्म किया नहीं, हमेशा जीवन में पाप ही पाप किया। पर हाँ, एक बार वो यहाँ पर क्या बोलते हैं, चित्रगुप्त को बता रहे हैं कि एक बार तो इसने भगवान का नाम लिया था, सदगुरु से मुख से सुन के एक बार इसने भगवान का नाम लिया था। तो इससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो, जो जीवन भर पाप किया उसका फल पहले भोगना चाहते हो, ना एक बार कृष्ण नाम जो तुमने किया है उसका फल भोगना चाहते हो? बोले आप मुझे पाप नरक में तो जाना ही है, जो एक बार कृष्ण नाम किया है उसका फल दे दो। अभी यमराज यहाँ स्वयं चिंता कर रहे हैं कि एक बार अगर कोई भगवान का नाम ले ले सदगुरु के मुख से सुन के तो उसका क्या फल है। यमराज जी सारे शास्त्र खोजने लगे, उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने सोचा चलो हम लेकर चलते हैं, कहाँ पर, हम लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में, ब्रह्मा जी शायद इसका उत्तर कुछ दे पाए, वे तो सृष्टि करता है। इन लोगों ने उसको लेकर बोले चलो तुम ब्रह्मा जी के पास में। बोले मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अगर ले जाना चाहते हो तो मुझे पालकी में बिठाकर लेकर चलो। ऐसा ही हुआ, चित्रगुप्त और यमराज ये दोनों पालकी में लग गए और उसको लेकर और ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में लेकर गए। ब्रह्मा जी से पूछा बोले पितामह आप बताओ, एक बार यदि कोई सदगुरु के मुख से सुन के कृष्ण नाम करे तो उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी भी अब यहाँ हैरान में हो गए, यहाँ सोच रहे हैं कि क्या फल क्या है, एक कृष्ण नाम का क्या फल है। ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था, उन्होंने बोला चलो फिर आप भी पालकी में लग जाओ, हम चलते हैं शंकर जी के पास में। हाँ, ये लोग भी चित्रगुप्त, यमराज और ब्रह्मा जी पालकी उठाकर लेकर जा रहे कहां पर, शंकर जी के पास में। शंकर जी से जाकर पूछा, शंकर जी भी इसका उत्तर नहीं दे पाए कि क्या फल है एक बार सदगुरु के मुख से कृष्ण नाम सुनने का। शंकर जी भी पालकी लग गए। अब यह व्यक्ति आराम से ठाट से पालकी में बैठा हुआ है और चारों तरफ कौन है, यमराज, चित्रगुप्त, शंकर जी और ब्रह्मा जी, चारों चारों पालकी में लगे हुए हैं और ये लेकर जा रहे हैं इसको कहां पर, भगवान के पास में। ठीक है, जैसे वैकुंठ में पहुंचे चारों बड़े हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, बोले भगवान आप हमें ये बताओ ठाकुर कि अगर कोई सदगुरु के मुख से आपका नाम एक बार सुन ले और एक बार आपका नाम बोल दे तो उसका क्या फल है? तो यहाँ भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं कि उसका फल तुम देख नहीं रहे हो, उसका फल यही है कि साक्षात चित्रगुप्त ब्रह्मा जी उनको पालकी में ढोकर मेरे धाम लेकर आएंगे और उसको मेरी गोद में स्थान मिलेगा, उसको मेरी गोद में स्थान मिलेगा। एक बार यदि कोई कृष्ण नाम ले तो उसका ये फल है। तो अगर कोई भगवान का निरंतर नाम करे तो उसकी क्या गति होगी, उसकी क्या गति होगी कलयुग में? इसलिए सबसे साधारण सबसे सरल उपाय भगवान ने बताया है। सत्ययुग में लोग यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे, त्रेता युग में तपस्या, द्वापर युग में अलग अलग युग में अलग अलग साधन बताए गए हैं, लेकिन कलयुग में भगवान ने सबसे साधारण उपाय, सबसे सिंपल उपाय क्या बताया, एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकमात्र एक बार बस ये महामंत्र बोलने से ही क्या होगा, भगवत प्राप्ति हो सकती है। निरंतर इस कृष्ण नाम का जाप करने से आपको भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। इसलिए क्या करो, सब यहाँ महिलाएं मुख्यतः उपस्थित है, घर में जो भी काम करते हो क्या करो, भगवान की सेवा मानकर करो। जो भी घर में काम कर रहे हैं हाथ से काम और मुख से भगवान का नाम, जैसे गोपियां करती थी ना, क्या करती थी, दधि मंथन कर रही है लेकिन मुख से गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। घर में खाना बना रही हो, खाना किस उद्देश्य से बना रहे, ठाकुर जी को भोग लगाने के उद्देश्य से। गरम मंदिर मार्जन घर साफ कर रहे हैं, किस लिए, बोले ये घर नहीं, ये हम क्या है, ठाकुर जी का मंदिर है, इसको साफ करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा सोच के बोले भक्ति कोई और मुश्किल काम नहीं है, क्या करना है, बस एक वस्तु को जैसे यहाँ थी यहाँ से उठा के इस तरफ रख देना है। जो भी काम कर रहे हैं सब हमारी दिनचर्या वैसे की वैसी ही होगी, लेकिन उसके मूल उद्देश्य में किसको रखना है, भगवान को रखना है। जो भी हम कार्य करेंगे भगवत प्रसन्नता के लिए, संतों की प्रसन्नता के लिए, और मुख में सब समय भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक मिनट कीर्तन कर ले, कर ले। हरे कृष्णा। देखो आज ये माता, क्या नाम तुम्हारी, क्या, सरिता, सरिता, सरिता दीदी ने आज अपना घर में
संतों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन, घर में भगवान की सत्संग हो रही है, इसलिए आप लोग भी अपना घर घर में संतों को बुलाना, ठीक है। जैसे बच्चे का कोई बर्थडे हो, नहीं तो तुम्हारी शादी की सालगिरह हो, नहीं तो घर में कोई अच्छा दिन हो ना, इधर उधर लोगों को नहीं बुला करके। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे का बर्थडे है, हैं? वो लोग ए बच्चा इधर आ जाओ, इधर बढ़ो, इधर आ जाओ। इसलिए जैसे बच्चे का बर्थडे है, हम लोग क्या करते हैं, सब अपना घर सब पार्टी बुलाएंगे, और फिर पार्टी बुला कर क्या करेंगे, केक कटवाएंगे, मोमबत्ती जला कर उसको बुझवाएंगे, बुझाते ना। इसलिए ये सब हमारी संस्कृति नहीं है, ये सब हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति क्या है, घर में कोई भी उत्सव हो, सबको बुला करके भगवान का कीर्तन हो, घर में सत्संग हो। इसलिए जिस बच्चे का उद्देश्य में सत्संग करते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, बच्चे को ऊपर में भगवान का कृपा मिलेगा। कहते ना मंगल भवन मंगल हारी, भगवान का नाम कोई भी किसी के उद्देश्य में करो, जरूर उसको कल्याण होगा, समझ रहे हो। ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा लोगों को बुलाओ, खूब बोतल पिवाओ, बोतल को तुड़वाओ, तो कि नहीं शराब पिलाओ, उल्टा पुल्टा अंडा फंडा मांस मछली खिलाओ। जिस बच्चे के उद्देश्य में इसको काम करोगे ना, संत कहते हैं वो अगर 100 साल जिंदा रहता तो उसी दिन 50 साल में आ जाएगा, उसी दिन। बोले क्यों, बोले तुम जिसकी उद्देश्य में इतने उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, वो सारे पाप तो बच्चे को पड़ जाएगा ना, वो सारे पाप किसको पड़ जाएगा, जिस बच्चे को उद्देश्य में कर रहे हो वो बच्चे को ऊपर में सारे पाप जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर घर में सत्संग बुलाओ, संतों को बुलाओ, हरि कीर्तन कर, तो उसका फल किसको पड़ जाएगा, वो बच्चे को पड़ जाएगा। बच्चे को ऊपर में भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, खूब पढ़ाई लिखाई करेगा, खूब अच्छा नौकरी चाकरी करेगा, पिता माता को खूब सेवा करेगा, ठीक है। इसलिए घर में अगर कोई उत्सव करते हो, जो कुछ घर में होता है, मंदिर में आता है, इसका बेटा भी जाता है, हाँ, उसका बेटा भी जाते हैं, भगवान का भजन करता है, गले में कंठी बांधे भगवान का कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, हैं? बच्चे लोग फिर उल्टा सीधा रास्ता में नहीं जाएंगे। हम जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जानते हो दुनिया क्या करता है, हमारा पति शराब पीता है, बाबा थोड़ा कृपा कर दो, पति शराब पी रहा है, बच्चे उल्टा पुल्टा रास्ता में जा रहे, सारे घर में यही बात करते। कारण क्या है, शराब क्यों पी रहे हैं, संतों का संग नहीं मिला, उल्टा सीधा लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, और जैसे संगत बेसरंग तो चढ़ गए ना, है। अगर संतों के पास में जाएंगे, भगवान के भक्तों के पास में, फिर बच्चे पति बिगड़ेंगे नहीं, पति अगर बिगड़े हुए तो वो सही हो जाएंगे, अगर बिगड़े हुए तो वो सही हो जाएंगे, ठीक है। सबके सब क्या करना, और पास में मंदिर है, सब भक्तों को बुला, घर में हरि कीर्तन करा, ठीक है। इसलिए इसी माता ने संतों को बुलाए, घर का कल्याण हो, उनको भी परिवार का कल्याण हो, इसी उद्देश्य में मेरे पीछे पीछे थोड़ा ताली बजाते हुए ठाकुर का कीर्तन करो, ठीक है। बोले हरे कृष्ण ताली बजा, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम, इसमें तीन नाम है, हरे कृष्ण और राम। हरे मतलब अगर ये नाम को करोगे तो तुमको क्या फल मिलेगा। हम कलयुग का जीव है ना, कुछ करने से पहले बोले क्या मिलेगा, क्यों करें। देखो हरे मतलब होता है हमारे घर में जितने दुख कष्ट को जो हर ले, दुख कष्ट को जो हर ले मतलब क्या, दुख कष्ट जो दूर करते, इसलिए उनका नाम हरि से हरे। कृष्ण मतलब क्या, मन बड़ा चंचल है, बताओ किसका मन चंचल नहीं, भटकता इधर उधर, किसी काम में नहीं लगता है, मन चंचल है, हैं?
इसलिए कृष्ण मतलब होता है कृष्ण नाम लेने से तुम्हारे जो भटकता हुआ मन भटकेगा नहीं। कृष्ण मतलब होता है आकर्षण करना है, इसलिए उनका नाम कृष्ण। स्ना मतलब आनंद देना, मतलब भटकता हुई मन को जो भटकने नहीं दे और जीवन में हमें जो आनंद दे, इसलिए कृष्ण। और राम मतलब क्या है, बात मत करो, इसलिए कहते राम मतलब क्या है, कहते जीवन में हमें जो आराम दे, जीवन में जो आराम दे, आराम दे। अगर प्रभु का नाम करोगे ना तीन चीज मिलेगा, क्या तीन चीज मिलेगा, पहले तो सब दुख दूर जाएगा, सब जीवन का दुख दूर जाएगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा बोलो, कृष्ण मतलब क्या है, आकर्षण। ये भटकते हुए मन को जो भटकने नहीं दे, ये मन को जो भटकने नहीं दे, इसलिए उनका नाम कृष्ण। राम मतलब क्या होता है, जीवन में हमें जो, जीवन में हमें जो आराम दे, इसलिए उनका नाम राम है। अगर ये भगवान का नाम करोगे ना तुमको जीवन का सब दुख दूर जाएगा, मन तुम्हारी भटकेगा नहीं और जीवन में आराम मिलेगा, जीवन में आराम आराम मिलेगा। इसलिए सबके सब ताली बजाते हुए हैं, मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लो, ठाकुर का नाम लेने से सब दुख दूर हो जाएगा और घर में शांति सुख मिलेगा। सबके सब ताली बजाते हुए क्या करोगे, भगवान का कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे ना अगले जीवन में ठाकुर हाथ ही नहीं देंगे, बोलेंगे तुमने तो सारे जीवन में ताली बजाई, नहीं तो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे ना अरे दरवाजा दरवाजा पर ताली बजाना पड़ेगा। कौन ताली बजाता है बोलो, रास्ते ताली बजा कर पैसा मांगते है ना, इसलिए भगवान का कीर्तन में ताली बजाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे जीवन का सब दुख दूर हो जाएगा। जब भाग्य रेखा अगर उल्टा पुल्टा हो ना तुम्हारी भाग्य रेखा, प्रभु का कीर्तन में ताली बजाओगे तो तुम्हारी भाग्य रेखा बदल जाएगी। ठीक है, सब जोर से ताली बजाना, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे त्रेता युग, हनुमान बंदर थे ना, बंदर है ना,
हनुमान जी खुद कहते हैं अगर सवेरे कहीं उठ करके मेरा नाम अगर मेरा मुंह देख लेना दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। ये हनुमान खुद कहते हैं क्योंकि सवेरे अगर बंदर का कोई मुंह देख ले है बंदर का हनुमान कहते हैं मेरे को जगत में अगर सवेरे उठ करके कोई बंदर का नाम उसको दिन भर भूखे रहना पड़ेगा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हनुमान जी कहते लेकिन मेरी इतना पूजा क्यों हो रही जगत में हनुमान जी के घर घर में हनुमान जी की इतना पूजा क्यों हो रही। कारण है मैं राम का भक्त हूँ। क्या कारण है मैं राम का भक्त हूँ भक्त हूँ। इसलिए हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं कहते रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। हनुमान जी कहते मैं दिन भर प्रभु का नाम लेता हूँ प्रभु राम की मैं पूजा करने का वजह से जगत में मेरी इतने पूजा जगत में इतने मेरी नाम हो रहे केवल भगवान के नाम लेने का वजह से है। मीरा का नाम सुने हो कौन कौन मीरा का नाम सुने हो सब जानते हैं। मीरा जी क्या करती थी मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा नौकर है। मीरा क्या करती दिन भर प्रभु की नाम लेती थी भगवान की भजन करती थी मीरा। इसलिए जगत में उसकी जगत में पूजा हो रही है। अब शंकर जी का नाम जाने हो शंकर जी का नाम सुने कि नहीं सुने हो सब सुने शंकर जी का नाम तू तो खड़े होगी सबको मुंह बंद कर। इसलिए शंकर जी का नाम सब जानते हो लेकिन जगत में ये शंकर जी की इतना पूजा जगत में क्यों हो रही है। शंकर जी स्वयं कहते हैं कहते महामंत्र जयी शपथ महिषा। शंकर जी दिन भर अपना पंचमुख में पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी। त्रिपुरारी मतलब शंकर जी पंचमुख में क्या करते हैं प्रभु का नाम पूजन करते हैं। इसलिए जगत में शंकर जी की इतने पूजा। मैया देवी का नाम जानते हो जानते ही नहीं जानती हो ना। देखो एक समय माता पार्वती शंकर जी से प्रश्न की बोले प्रभु हम किसका नाम ले किसकी नाम ले। शंकर जी कहते पार्वती राम रामेति रमेति रम रमे मनोरम। शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले पार्वती प्रभु राम का नाम बड़ा मीठा नाम भगवान राम की बड़ी मीठा नाम इसलिए पार्वती भगवान राम का नाम लो। इसलिए आप देखना माता जी के आठ हाथ में देखोगे ना एक हाथ में माला है। सरस्वती की चार हाथ देखोगे एक हाथ में माला देखोगे। ब्रह्मा जी की चार हाथ देखोगे एक हाथ में माला है। ये सबके सब जगत में जितने देवा देवी है ना इसलिए जगत में इतनी की जगत में पूजा हो रही है। ये सबके सब प्रभु का नाम जप करते हैं। इसलिए भजन है बोले राम नाम की माला जपेगा कोई सिगरेट फूंकता है उसको कुछ नहीं बोलेगा।
जो स्त्री इधर उधर घूम रही है उसको कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी ने थोड़ी सी गले में तुलसी कंठी लगा ली, अगर थोड़ी तिलक लगा ली ना, बोले ये क्या है, ये कौन सा बीमारी तुमको, ये आश्चर्य की बात है। अगर कोई गंदा काम करे ना, कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी अगर प्रभु का भजन करना शुरू कर दे, सारा दुनिया उसको पीछे। मीरा का नाम सुनी कि नहीं, और कौन मीरा का नाम सुनता हूँ, वो तुम्हारी हमारी घर में बहू नहीं थी, किसका किसका किसकी बहू थी, राणा की। राणा कौन था, राजा, उसकी घर की है, उसकी घर की ये राज रानी। लेकिन क्या करती थी, जहाँ पर संत लोग कीर्तन हो वहीं पर प्रेम में कृष्ण प्रेम में नृत्य करती थी, वहीं पर दीवानी बन करके नाचती थी। मीरा नाचती थी कि नहीं, उसका सास विरोध कर ली, उसका ननद, उसका पति, उसका देवर सब पीछे लग गए, यहाँ पर भी गाँव के कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बोले क्यों, कहते भगवान की जब भक्ति के मार्ग पर जाओ ना, बड़ी बड़ी बाधाएं आती है, गंदे काम पर दुनिया कुछ नहीं बोलेगा, शराब पीने वाले कोई बोल रहा है कुछ, सिगरेट फूकने वाले लड़की वादी लड़के वादी कर कोई बोल रहे हैं कुछ, कोई कुछ नहीं बोलते। लेकिन जगत में बताओ, जगत में किसका नाम में जय जयकार हो रही है, मीरा का नाम है ना, मीरा कब आई थी, अभी क्यों घर घर में पूछ रही है, कारण ये भगवान की भजन किया है, दुनिया की परवाह उसने नहीं किया, दुनिया क्या बोले, मैं तो है गई तेरा दुनिया क्या जाने। इसलिए भगवान की भक्ति करोगे ना दुनिया बोलेगा, लेकिन जगत में नाम होगा तो जो प्रभु की भजन करेगा उसका ही जगत में नाम होगा। इसलिए कहते हैं राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, दिल जिसका मजबूत हो भजन, कमजोर दिल है ना भजन नहीं कर सकता है, जिसका दिल मजबूत है वही भगवान की भक्ति कर सकते हैं, समझ रहे हो। इसलिए क्या करना है, भगवान के नाम को जप करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में जाएगा नहीं ना, और जगत में साथ में कुछ जाएगा नहीं है। इसलिए हम अक्सर करके हर जगह पर ना एक एक स्टोरी सुनाते हैं, और आज चार रानी की बहू की कथा सुनाते हैं, सुन लो आपको भी घर में सुना देता हूँ, ध्यान देकर सुनो सब बातें। मैं एक सुंदर की स्टोरी सुनाता हूँ, उसको बाद में मैं पूछूंगा क्या बोला, जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, और जो नहीं बोले पाएगा फिर बीच में खड़े कर दूंगा, मन लगा कर सुनो ठीक है। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते राजा के चार ही भूंगिया थी, कितना भूंगिया थी, चार रानियां, जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, वो जिस समय में जिस चीज की मांग करती थी राजा उसको ला ला कर देखा था, उसको खुश करता था। राजा की जो ध्यान देखना सुनो फिर बाद में पूछूंगा, राजा की जो दूसरी रानी थी वो चार रानियों में सबसे सुंदरी थी, सब चाहते ना मेरी बीवी सुंदरी हो। वो सुंदरी रानी को अच्छे तरह सजा धजा करके जब राजा नगर में घूमने जाता था, उसको बैठा करता था पास में, दुनिया को दिखाता था, देखो मेरी रानी कितने प्यारी है, कितने सुंदरी है। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठा मीठा बोली बोलती थी, सब चाहते ना घर में जब आए, ऐसे नहीं पत्नी सारा दुनिया की झगड़ा हो गया ये हो गया हो सुनाते रहे, नियम क्या, पति जब घर में आए मीठी मीठी बोली बोलो, क्यों कष्ट करके काम करके आता है, ऐसे नहीं घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया, उसने ऐसे किया उसने ऐसे किया है, सब व्यक्ति क्या चाहते हैं, घर में आने पर पत्नी मीठी मीठी बोली बोले, घर में सारा रोटी खिलाई, पास में बैठे हवन करे है। अभी जो पत्नी पत्नी थी अभी आपसे क्या चीज लेना, पति आते ही उल्टा पुलटा जितने झगड़ा नहीं बोलनी है, इसलिए वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी। इसलिए राजा जब घर में आता था वो रानी को पास में बैठता था और उसको मीठा मीठा बोली सुन सुन के बड़े खुश होता था है। अब उसका राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाए उसको साथ उसको ही मतलब नहीं है, कभी पूछा नहीं तेरे पास कोई साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी नहीं पूछा, वो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा का मरने का समय है, अंतिम समय, सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन रानी कितने मेरे साथ देती कितना दूर तक। सबसे पहले बड़ी रानी की नंबर आए, पता बड़ी रानी कौन थी, इतना जल्दी भूल गए, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था और उसकी मन पसंद को चीज को ला ला कर उसको खुश रखता था। अभी सबसे बड़ी रानी की नंबर आई, बोले देख रानी सबसे ज्यादा प्यार तेरे को मिलने की, जो मांगती थी वही ला ला कर देता था, अभी मेरा अंतिम समय आ गया साथ में चलोगी, वो कहती मैं एक कदम भी तेरे साथ में नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए मैंने इतना किया, बोले तेरा कर्तव्य था, बोले तेरी, बोले मेरी कोई कर्तव्य नहीं,
राजा को तो बड़ा कष्ट मिला, जिसको मैं इतना प्यार करता था वो कहती मेरे साथ में नहीं जाएगी, जिसके लिए मैं इतना करता था। अभी दूसरी नंबर रानी की नंबर आई, दूसरी रानी कौन थी? सुंदर। राजा जिसको श्रृंगार करके सारा दुनिया को दिखाता था, देखो मेरी रानी कितनी सुंदरी है। जब उससे पूछा, बोले तू चलोगी? बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा तू कब मरोगी, मैं तो दूसरे से शादी करने के लिए तैयार बैठी। बोले तेरे को शर्म नहीं लगता है? तू सोच रहे हो मैं कब मरूंगी? मरूंगा तो दूसरे से शादी करोगी? बोले दुनिया को तुमने देखा है ना मेरे को कितने सुंदरी, जहाँ जाओगी वही मेरे को पसंद करेगा, मैं तो दूसरे के पास में चली जाऊंगी। राजा को प्यार को नीचे जमीन खिसक गया कि क्या बोलती। अभी तीसरी नंबर आई, तीसरी कौन थी? मीठी मीठी बातें करता था, जब मीठा मीठा बोलती थी है? राजा जिसकी मीठा मीठा बोले सुनकर खुश होता था। बोले तू क्या करोगी, चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली, पूरा तो नहीं थोड़ी सी। बोले चलूंगी तो है तेरे साथ, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना कहते? बोले ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं दे सकती। बोले भैया दरवाजे तक चलना थोड़ी सी, कोई चलना कहते? भैया तू भी किसी काम की नहीं। अभी जो चौथी नंबर थी, राजा सोच रहा है इसको पूछो कि नहीं पूछो, क्योंकि अब जिसके लिए करोगे उसको के लिए पूछोगे ना, लेकिन इसके लिए तो तुमने कुछ किया ही नहीं, कभी पूछा नहीं तुमने। सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। चौथी रानी को पास में गई, बोले चलो साथ में। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? जब से तुमने मेरे को शादी करके घर में लाए हो, कभी तुमने लोग खातिर से भी पूछा तेरे पास साड़ी है कि नहीं, साबुन है कि नहीं, तेल है कि नहीं, हैं क्रीम है कि नहीं, तुमने कभी पूछा मेरे को? पूछा तो जिंदगी भर नहीं, जो अंतिम समय आया दांत निकाल करके तो चलो, शर्म नहीं लग रहा? बोले रानी मैं तो तेरे को पूछना ही नहीं चाह रहा था, सोचा तो रानी एक बार पूछ कर देख ले। चौथी नंबर रानी कहती है, राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, दिल से मैं तेरे को बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख बात यह है तुमने एक बार मेरे को झांक करके देखा नहीं, कोई पूछा नहीं, भले ही तुमने जो कुछ मेरे लिए किया किया, लेकिन दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी दुखी में दुखी रहूंगी, बिना खाए पिए तेरे को खाना खिलाऊंगी। राजा को आश्चर्य में पड़ गया, जिनके लिए हम जिंदगी किया कोई जाने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारे जीवन की सच्चाई कथा है। हम लोग अच्छे तरह से कथा को सुना, अगर सही सही समझ गए ना, समझो तुम्हारी आज एक नया जीवन मिलेगा, आज तुम कहते नया जीवन मिलेगा, अच्छे तरह से समझो। हिंदी मेरी हिंदी समझ में आ रही है? इसलिए सबसे बड़ी रानी मतलब है, अभी हम जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिस समय जिस चीज की मांग करती है, भले हमें चोरी डाकू गुंडा करते कुछ करना नहीं पड़े, ला ला कर उसको इच्छा को पूरी करते, लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगी वो एक कदम भी हमारे साथ में नहीं चलने वाले, जिनके लिए सब कुछ करते हैं। कहते वो कौन है जो सबसे ज्यादा जिसको प्रेम करते हैं, वो कौन है जो नए लोग बता सकते हो कौन है? आप किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, किसको प्रेम करते जगत में सबसे, बोलो और किसको प्यार करते ज्यादा? कोई बोलेगा बच्चों को, कोई बोलेगा पति को, कोई बोलेगा परिवार को, शास्त्र ने बताया कि जगत में प्यार प्रेम नाम का कुछ नहीं है, ये जगत में केवल स्वार्थ ही भरा। जगत में प्रेम जो दिख रहा है तुमको ना, चूंकि तुमसे कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम ऊपर से दिख रहा है, और मिलना बंद कर दो प्रेम करेगा कोई? वो पति क्यों नहीं हो, पत्नी क्यों नहीं हो, बेटा क्यों नहीं हो, वो सारे संबंध वही पर तोड़ देगा। केवल इस संसार में स्वार्थ स्वार्थ है इस संसार में। अभी मेरा प्रश्न आता है, जगत में हम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? कहते जगत में सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं, इधर सुना ए, उधर क्या देख रहे, इधर ज्यादा मत करो, इसलिए जगत में हम सबसे ज्यादा जो प्यार करते हैं, हम अपने आप को अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये शरीर को जो खिलाए, शरीर को जो पिलाए, शरीर के लिए जो साड़ी दे, शरीर के लिए जो क्रीम दे, शरीर के लिए जो साबुन दे ना, उसको साथ में प्रेम करते, अगर नहीं दे तो समाध काट देंगे। इसलिए शरीर को जिस समय ये शरीर जिस चीज की मांग करती है, बोले ब्यूटी पार्लर में चलो चलो सजा कर खिलाए, गोलगप्पे खाओ तो खाओ बढ़िया है, ऐसे साड़ी पहनोगे चलो दुकान में ऐसे साड़ी ला करके तुमको दे दी, ये शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। अंतिम समय आया, शरीर से पूछे साथ में चलोगे, बताओ शरीर साथ में चलेगा?
कभी भजन है बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। सुने कि नहीं भजन, जब ये शरीर से परमात्मा हंसा उड़ चुके चल जाए ये शरीर जहाँ के तहाँ यही रह जाएगी, शरीर हमारी साथ में नहीं देगी, खत्म यही उसका। अभी जो सबसे सुंदर राजा जिसको दुनिया को देखा था, देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, हैं? उसको पूछा बोले तू कौन है जो सबसे सुंदरी, सबसे सुंदर कहते बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, बोलो सबसे बड़ा, ये सबसे सुंदर ये पैसा है, पैसा रहेगा तो बढ़िया खाएंगे बढ़िया पिएंगे दुकान बकान बनाएंगे हैं दुनिया को दिखाएंगे बढ़िया गाड़ी में। दूसरे रानी से पैसा से पूछे साथ में चलोगी, लेकिन वो पैसा क्या उतर दिया, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगी मैं दूसरे से शादी करूँ, मतलब क्या आज पैसा हमारे पास में हम मालिक है, शरीर छूटते ही वो झट दूसरों के साथ में शादी हो करते, मतलब क्या बच्चों का नजर कहाँ पर है, कहाँ पर नजर बच्चों का, पिताजी कितने दुकान कितने मकान प्रॉपर्टी कहाँ पर कितने कहाँ एटीएम कार्ड में कहाँ कहाँ पिताजी के पैसा है, बच्चों का नजर वहीं पर बच्चों का नजर रहती है, और शरीर छूटते हुए झट जितने प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पैसा सब के साथ दूसरों का नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। वो कहते मैं दूसरे से शादी कर लूंगी तेरे साथ में नहीं जाऊंगी है, कोई गया। अभी तीसरे नंबर आई, तीसरे नंबर कौन थी, मीठी मीठी हाँ जो मीठा मीठा बोलता था, राजा सुनकर बड़े खुश होता था, कहती ये कौन, बोले पत्नी, ये पत्नी, पत्नी से पूछा जिसको साथ कर लगा करके शादी किया, पत्नी से पूछा चलोगी साथ में, पत्नी साथ में चलोगी, बोले चलूंगी लेकिन दरवाजा तुम्हें चलो कहाँ तक, दरवाजे तक, बोलो उसका आगे चलती है पत्नी, आगे चलती है पत्नी, आगे ज्यादा बोलोगे चार कदम दरवाजे से चार कदम आगे बढ़ती है लेकिन साथ में यही नहीं चलेगी। परिवार वालों से पूछे चलोगे, बोले क्यों नहीं तेरे लिए बढ़िया रथ से जाएगी और राम नाम सत्य करते करते ले जाएगी, बोले कहाँ था बड़े शमशान में वहीं पर चिता पर लेटा करके आग लगा कर फूंक करके टाटा करते करते घर में वापस चले जाएगी, उसको आगे और हम नहीं जाएंगे। अभी ध्यान देकर सुनो, जो चौथी रानी जो थी, राजा जिसको जीवन में कभी कुछ पूछा भी नहीं, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करे रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आया किसने काम में दी, किसने, चौथी रानी कौन है, कौन है जिसको हम अभी पूछ नहीं रहे हैं, जीवन में सबसे ज्यादा जिसको नेगलेक्ट करते रहते हैं, बोले कौन है, बोले भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम है, भगवान की पूजा पाठ है। अगर किसको बोले भैया थोड़ा बैठ करके ठाकुर का नाम जप, बोले सब बेकार काम, जिसका कोई काम धंधा नहीं है ना वही सब बैठ कर राम राम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, हमारे टीवी देखने का टाइम है, हैं बेटी बहुओं की बात करने की टाइम है, हैं ये करना उधर घूमना मॉल में जाना साड़ी लाना हमारे मार्केटिंग कितना सारे काम है, ये सब बेकार, जिसको काम धाम नहीं ना उसे बैठ करके राम नाम कृष्ण नाम हरे हरे कृष्ण करते हैं। हम कहते ना अगर बैठी जो माता है एक जगह पर बैठ जाए देखना कितने घंटे घंटे तक गप्पे मारते, उसकी छोरी की ये हो गई, उसके घर में बहु बेटी की लड़ाई हो रही है, उसका पति उसको छोड़ दिया, उसके घर में लड़ाई झगड़ा घंटे घंटे तक समय बिना कारण की, कोई टीवी में सीरियल आ गया तो तीन तीन घंटा उसमें बिता देते, लेकिन अगर थोड़ी सी बोलो प्रभु का नाम लो बोले बेकार काम, लेकिन भले ही जीवन में जो कुछ करना कर लो लेकिन जब अंतिम समय आएगा जब शरीर छूटेगी जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएगी, अब सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है और सत्य बल सत्य है सब कोई बात छूटा है, बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है तेरे साथ में वही जा रही है, एक सुई धागा भी तेरे साथ में अभी तेरे साथ नहीं जा रहा है, हैं? मरने का बाद जाओ महाराज को सामने खड़े कर दे, अब शास्त्र पढ़ कर देखो फिर उसको पूछते हैं बताओ जीवन में तुमने क्या किया है, बोलो तुम्हें चार पांच बच्चे जन्म हुए, किसको एमए किया किसको पीएचडी किसको इंजीनियरिंग बनाया किसको वहां शादी करवाया वहां शादी करवाया, जब महाराज ये सब कोई बात नहीं सुनेगा केवल एक प्रश्न करेगा कितना भजन तुमने कितने तुमने भजन, और कोई बात नहीं पूछेगा, बोले कुत्ते गधे स्वर्ग क्या बच्चे जन्म नहीं देते, स्वर्ग देखो एक एक दर्जन बच्चा जन्म देता है तो एक महीना बड़ा कर देता है, तुमने दो चार बच्चे बड़ा किया तो कौन सा बढ़िया तीन बार
है केवल इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आए थे हरि भजन को होटल लखन पास, इसलिए ये जीवन दिया है, बोले आए थे हरि भजन को, केवल प्रभु की भजन के लिए जीवन हमें मिला, लेकिन भजन को तो दूसरे तरफ में कर दिया, जो करने के लिए नहीं आए तो उसको पीछे लग गए सारे के सारे, अगड़म बगड़म करना शुरू कर दिया, लेकिन जो सही काम जो करने के लिए आए थे ना वो काम में कुछ नहीं। इसलिए अंतिम समय में उसको सुनाते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, बोले बेटा जितने राम का गोपाल का नाम लिया वही सच्चा है, सब कोई बात झूठा है, और जो कुछ क्या सब झूठे जीवन बिताया है। इसलिए मीरा कहती है, क्या कहती है, बोले पायो जी मैंने, सब जानते हो ना, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, वास्तु अमोलक मिले सदगुरु, वास्तु अमोलक मिले सदगुरु, कृपा करे जीवन में मिला क्या तुमको, बोले पायो जी मैंने पाया है, बोले क्या है, राम रतन धन पायो, जितने राम का नाम लिया ना वही पाया, जगह पे सभी को पाया, बोले ये धन कैसे, बोले चोर नहीं लेबे लुटे नहीं जाबे, दीन दीन बरत सभाए, ये धन को चोरी चोरी चोर चोरी करके नहीं ले सकता है, अगर ये धन को पति कमाएगा ना पत्नी नहीं ले सकती है, अगर पत्नी कमाएगा तो पति नहीं ले सकता है, इसको कोई नहीं ले सकता है, जो कमाएगा केवल वही इसकी मालिकी बनेगा, और अगले जीवन में ब्याज समेत दीन दीन बढ़ता सवाए, ये ब्याज समेत मिलेगा। हाँ हमारे तरफ में देखो ध्यान से ये माला को देखो, कहते राम नाम की माला चलेगा कोई चलेगा कोई, हाँ देख लो अच्छे तरह से देख लो इसको। एक समय चैतन्य महाप्रभु को उनका भक्तों ने बोले प्रभु हमारे घर में आपका निमंत्रण भोजन है, तो महाप्रभु बोले मैं सबको घर में खाना नहीं खाऊंगा, बोले किसको घर में खाओ, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 5.5 साल पहले लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा होगा, भक्त लोग तो साधारण थे, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हैं, हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, फिर हमारे घर में क्या भजन नहीं करोगे। देखो भगवान कहते जानते हो असली लखपति कौन है, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं वही असली लखपति। इसलिए मीरा की भजन है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, पीछे पीछे का आवाज लगाओ गली गली राम नाम के रे मोती, ले बिछाओ गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली कृष्ण नाम के रे मोती, जानते हो हम लोग सब पंडित लोग, इसलिए आप मेरे तरफ में देखो आप लखपति कैसे बने।
जो नाम जप करता है, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का सब नाम जानते हो कि नहीं? अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो कि नहीं जानते हो? कुछ दिन पहले आता था कौन बनेगा करोड़पति, आता था ना कौन बनेगा, या भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप देख लो मेरे तरफ पे देखो, लखपति बनोगे है? जैसे माला है इसमें 108 मोती है, ये माला को जब जप करते है ना, अच्छे तरह समझ लो, ये अमल को हम इसमें लगाते नहीं क्योंकि ये गंदा अमल, हम कहते ना तेरे को देख लूंगा तो मेरे को क्या समझते हो, बोलते ना हम लोग, सबसे पहले ये अमल निकलता है, इसलिए ये अमल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं। इसे निकाल करके जो बीच वाला अमल को ऊपर में ये माला रखते हैं, माला रख करके अब सब मेरे साथ साथ में बोलो, बोले हरे कृष्णा, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया। एक माला उसमें 108 मोती है, जब माला जब करते करते जब यहाँ पर देख, अच्छे तरह से देख लो, जैसे यहाँ खत्म हो जाएगी, जब खत्म हो जाएगी ना इसको ऊपर पार नहीं करते, उसको लंगर नहीं करते, पार नहीं करते, घुमा देते, घुमा करके फिर दूसरी तरफ से फिर हरे कृष्ण फिर नाम करते। अगर ऐसे 16 राउंड अगर कर लिया ना, हिसाब से हो गया 25,000। अगर 64 माला कर लिया ना 1,00,000, कितना हो गया? भगवान खुद कहते हैं बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं किया, बोले क्या किया? बोले आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो, भगवान खुद कहते हैं 1,00,000 रुपया तुम्हारी फिक्स डिपोजिट हो गई, बोले उसका ब्याज कितना मिलेगी? अगर 1,00,000 आज नाम किया, मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सवाई, मतलब आज अगर 1,00,000 किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी, और 4 दिन में 2,00,000। जब ऊपर जाओगे ना काफी खुलेगा, जीवन में क्या किया, कर्म किया, पाप पुण्य किया, अगर प्रभु का नाम धन किया। ये कबीर कहते हैं, कबीर ये कहते हैं जगत में मरने के लिए सब डरते हैं, बताओ कौन नहीं डरता है? करुणा आगे घर में घुस गई ना, सबके सब घर ना पकड़ नहीं थे, जगत में सब मरने के लिए डरते हैं, लेकिन कबीर दास कहते हैं मेरे को मेरा मन तो आनंद है। किसने पूछा भैया दुनिया मरने के लिए डरते हैं तो खुश क्यों? देखो कबीर क्या कहते हैं, कहते लोग मरने के लिए क्यों डरते हैं, जानते हैं जिंदगी भर तो प्रभु का राम का नाम लिया ही नहीं, अगड़ूम बगड़ूम उल्टा पुलटा जिंदगी भर बगे, उल्टा पुलटा चुगली निंदा किया, मरने के बाद जमदू तो मार मार कर ले जाएंगे नरक में और 84 नरक में भोगना पड़ेगा, इसलिए सब जीव डरते हैं। लेकिन कहते तुम क्यों आनंद हो, तेरे आनंद क्यों खुश? कबीर कहती है जिंदगी भर मैंने प्रभु का नाम जप किया, प्रभु का नाम जप किया मैंने, मेरे को पता है मरने के बाद किया ही व्यवस्था मेरे लिए, गोलोक वृंदावन में रथ आएगा, रथ में बैठी करके मैं ठाकुर के पास भी जाऊंगा, क्योंकि जिंदगी भर हमने प्रभु का राम का नाम मैंने जप किया है, इसलिए मेरे पास में माल ही माल है, इसलिए मैं तो मेरा मन आनंद है, मेरा मन खुश है, क्यों मरने के बाद सारे काफी जब खुलेगा सारे माल तो मेरा जमा हुआ है, समझ रहे हो? इसलिए अंतिम समय में यही धन ही साथ में जाएगा और कोई धन हमारे साथ में नहीं जाने वाला, ठीक है ना? हम लोग सबके सब क्या करना, भगवान की नाम जप करना, ठीक है? कौन कौन करेगा हाथ उठा, देखते हैं। वाह भाई यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग, ठीक है सबके साथ। देखो हरे कृष्णा, देखो आप लोग जिसको माला लेकर के ना, भजन नियम है ये माला किसी साधु से लेके चाहिए, अपने आप पर तो फल मिलेगा, भगवान का नाम तो बेकार नहीं जाता है, लेकिन जब हम किसी साधु से लेते हैं ना उसका विशेष फल होता है। उदाहरण दिया जैसे कि गोली है, अगर एक गोली उठा कर किसको ऐसे मारोगे ना थोड़ी बहुत लगेगा, लेकिन वही गोली जो बंदूक में देकर मारो क्या होगा, इस बार से उस बार हो जाएगा। इसका मतलब है जब हम किसी साधु से माला लेकर के भगवान की भजन करेंगे क्या होगा, ये नाम हमें भगवान तक ले जाएगा, ठाकुर तक हमें ले जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिनो गुरु भवन की तरह न कोई, जो ब्रिज शंकर समोय, ब्रिज मतलब ब्रह्मा, शंकर मतलब शिव, ब्रह्मा शंकर के बराबर भी कहीं हो जाए, अगर कोई शुद्ध साधु के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करे कभी भव सागर से तैर नहीं सकता। देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो, बोले एक समय कोई एक संत, जैसे यहाँ पर हरि कथा हो रही ना, भगवान की कथा हो रही है,
जैसे ठाकुर कथा हो रही है, किस घर में संत कथा सुना रहे थे, बोले देखो जो राम का नाम लेगा कृष्ण का नाम लेगा बाबा सागर से पार हो जाएगा। लेकिन उसी घर में एक पिंजरा में तोता था, बोले बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों बोल रहे हो, राम कृष्ण नाम लेने से भवसागर से पार हो जाएगा, ये सब झूठ बात क्यों बोल रहे हो। तो संत ने कहा कि मैं झूठ क्या सच ही कह रहा हूँ, बोले तू मेरे को देख, मैं जो आता है ना घर में राम राम तोते को देखा ना घर के सामने रहता है, राम राम कृष्ण कृष्ण सब को मैं बोलता हूँ, लेकिन अभी से छोटा छोटे से पिंजरा से मेरा उद्धार नहीं, और तू कहे तो भवसागर से पार हो जाए, बेकार बात चुप कर। वो साधु तो चुप हो गया, बोले तो सही कह रहा है। एक दिन जब वो घर में आया अपना गुरु जी, बोले गुरु जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे तोता मेरे को ऐसे बोला चुप करवा दिया, बोले मैं तो राम का नाम कृष्ण का नाम ले रहा हूँ पिंजरा में, पिंजरा से मुक्ति नहीं मिली। गुरु जी ने कहा ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ में जाऊंगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। बोले जा तू कथा कर, उसने कथा किया, बोले जो भगवान का नाम लेगा बाबा सागर से पार हो जाएगा। इतने में तोता फिर बोल पड़ा, ए बाबा फिर दोबारा बोल, क्यों बोला दोबारा क्यों बोल रहे हो। इतने में गुरु जी वहां पर खड़े थे, बोले बेटा क्या बात क्या गलत बोला, बोले गुरु जी मेरे को ही देखो ये छोटे से पिंजरा में रहता हूँ सबको राम राम कहता हूँ अभी भी मेरे उधार नहीं हुई, क्यों उधार नहीं हुई। तब उन्होंने कहा देख बेटा तुमने कोई शुद्ध साधु से नाम ले लिया, किसी शुद्ध साधु से तुमने नाम नहीं लेने का नाते ये पिंजरा से तुमको मुक्ति नहीं मिल रहा है। बोले गुरु जी फिर तो मेरे कान में आप का नाम दे दो। गुरु जी ने इसको तोते को कान में ठाकुर का नाम दे दिया। बोले बताओ मेरे उद्धार कैसे हुआ, बोले देख बेटा जब तक ये पिंजरा में रह करके तो राम राम कृष्ण कृष्ण करोगे ना मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बताओ गुरु जी क्या करना पड़ेगा, बोले एक काम कर लेना ये कथा जब विश्राम हो जाएगी तुमको एक नाटक करना पड़ेगा। बोले गुरु जी बताओ, बोले ऐसे नाटक करना जैसे तुम मर गया, तुम मर गए नाटक करना, जब मर गया तुम देखोगे फिर पिंजरा खुल कर धर निकालेंगे, जब निकालेंगे ना अर्थ से जाएंगे फिर फर कर उड़ जाए। गुरु जी बहुत अच्छी बात बताए, अभी जब कथा समाप्त होगी ना बस उसने गुरु जी की बात मान करके बस गिर गया। लोगों बोले धन्य है तोता, देखो ठाकुर की कथा सुनते सुनते प्राण त्याग करना कोई साधारण बात है, कितने पुण्यात्मा ये तोता है, चलो इसकी अर्थी हम सजाएंगे। बड़े सुंदर फूल की सजा अर्थी सजाए और तोते को निकाले, अर्थी में लेट आया और कांधे पर लेकर राम नाम सत्य करते करते जा रहे ना, इतने में तोता भर कर उड़ गया। तो गुरु जी ने कहा क्यों बेटा गुरु जी से नाम लेने से उद्धार होता है कि नहीं, बोले हाँ गुरु जी हाँ अभी आज मेरे समझ आया गुरु जी से नाम लेने पर उद्धार होता है। इसलिए नियम है जो भगवान का नाम अपने आप करो उसका तो फल है ही है, ठाकुर का नाम कभी बर्बाद नहीं जाएगा। लेकिन जब किसी सुधा साधु मानो, क्या मानो, घर किसने दिया है ठाकुर ने दिया, परिवार को क्या समझो भगवान का परिवार है। अभी बता रहे थे ना घर में जो झाड़ू लगा वो कहाँ झाड़ू लगा रहे, अरे बोलो भगवान के मंदिर में, क्यों अपना घर को भगवान का मंदिर मानो झाड़ू क्यों लगा रहे हो। मतलब कभी अगर ठाकुर जी घूमेंगे घर में अगर महिला पड़ा हुआ होगा ठाकुर के पैर में महिला लगने जाए धूल नहीं लग जाए। रसोई बनाते हो घर में, रसोई बनाते कि नहीं, कौन कौन रसोई बनाते हो, सब बनाते, रसोई क्यों बना रहे हो बोलो, अब बोलो जोर से, क्या सचमुच से क्या ठाकुर को भोग लगाते हो ना, ठाकुर का नाम पर स्वयं चट कर रहे हो। हाँ देखो ये चीज समझो, घर में जो कुछ बनता है पहले ठाकुर को भोग लगा, तुलसी दल से घर में गोपाल होंगे ना, घर में राधा कृष्ण राम सीता ठाकुर को ही घर में ठाकुर होंगे, सबसे पहले ठाकुर को भोग लगा तुलसी दल में भोग लगा। देखो कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाता है उसका कोई पाप नहीं लगता है, है? उसका मन शुद्ध हो जाता है अमृत पान करता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरे को भोग नहीं लगाता है कहते भुंजन्ते तु अघम, वो केवल पाप भोजन करता है। ये मनुष्यता कहता है स्वान बिष्टा, जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता है कहते कुत्ते का ये बिष्टा जैसे, जो भगवान को भोग नहीं लगता। मीरा का नाम सुने हो, मीरा का नाम तो जानते हो, उसको मारने के लिए राणा ने जहर का प्याला भेजा, बोले ये क्या संतों के बीच में नाचती रहती है कीर्तन करती है उसको खत्म कर दो, उसको जहर का प्याला भेजा। लेकिन जब तक वो गिरधर को भोग नहीं लगा तो खाएगा नहीं, बस भगवान को भोग लगाया तो क्या हो गया, वो अमृत हो गया उसने पी लिया। मतलब जो भगवान के भोग लगाओगे ना वो अमृत बन जाएगा, है? इसलिए जो चीज ठाकुर को भोग लगेगा इसलिए बगैर भोग लगाए हुए उस चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इधर सुनो, जब भगवान की भोग लगाओगे फिर क्या हो जाता है, अच्छी तरह सुनो, सत्संग में आए कुछ तो लेकर के जाओ,
भगवान की सुदामा का नाम जानते हो? सुदामा का नाम सुने कि नहीं? पहले गरीब क्यों बना, ये बाद में धनी क्यों बना? आप लोग टीवी में देखे होंगे जब वो गुरुकुल में गए थे उनको गुरु माता ने चाना दिया था लेकिन कृष्ण को बिना दिए खा लिया, इसलिए गरीब हुआ। धनी कब बना? फिर जब भगवान के लिए चिड़वा लेकर गए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ नहीं प्रभु, दो मुट्ठी खा लिया मतलब इनके घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओगी। अब देखे होंगे ना टीवी में, जब सुदामा घर में आया क्या देखा, सोने की पत्नी रानी बनकर बैठी, पहचान नहीं पा रही अपना पत्नी को। इसका मतलब अगर भगवान की भोग लगाकर खाओगे ना घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, घर में लक्ष्मी खूब आएगी। अगर भगवान को भोग नहीं लगाओ तो लक्ष्मी धीरे धीरे घर से चलना शुरू कर दे, क्योंकि हर चीज पैसा से खरीदी करते, पैसा से खरीदी करते ना पैसा लक्ष्मी। अगर वो ठाकुर को सेवा में नहीं लगा, भगवान को भोग में नहीं लगा रहे, इसलिए लक्ष्मी भी घर धीरे 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 घर से तुम कर चूंगा तुम्हारी घर से चलना शुरू कर देगी, नहीं तो बड़ी बड़ी बीमारी दे देगी, नहीं तो बहु बहु में लड़ाई, नहीं तो कोर्ट कचहरी मामला लगा देगी, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी ऐसी लगा देगी सारे पैसा उठ गए। समझ रहे हो क्या करना है घर में? जोर से बोला। लेकिन अगर प्याज लहसुन अगर खाते हो तो ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते, इसलिए क्या करना, प्याज लहसुन को नहीं खाना, ठीक है? नवरात्रि रखते हो? कौन कौन रखते हो नवरात्रि? अब 9 दिन तो घर में प्याज लहसुन घुसाते हो? नहीं घुसाती ना, क्यों नहीं घुसाती हो? माता जी को पसंद नहीं, कभी तो नहीं घुसा रही, इसलिए क्या करना है, प्याज लहसुन को कोशिश करना जैसे प्याज लहसुन छूट जाए, प्याज लहसुन छूट जाए। देखो ये भागवत में कथा दी है कि प्याज लहसुन कहाँ से सृष्टि हुआ है, भगवान जब एक दैत्य को उन्होंने चक्र से काट दिया उसके गले को, जहाँ पर उसको मांस गिर पड़ा ना वहीं पर ये प्याज हुई। ये लहसुन कहाँ पर हुई, जहाँ पर हड्डी गिरा वहीं पर ये लहसुन की पौधा वहीं पर हुई है, इसलिए ठाकुर को सेवा में नहीं लगता है, ठाकुर को सेवा में कोई लगता है, इसलिए 9 दिन तक कोई घर में नहीं घुसाते, किसी लिए माता जी को ये भोग नहीं लगता, माता जी को पसंद नहीं, तभी तो 9 दिन तक ऐसे नहीं, 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा है मुर्गा मुर्गा ऐसे तो नहीं करनी चाहिए ना, इसलिए जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है वो चीज हमें भी पसंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कोशिश करना जैसे ये चीज छूट जाए और शुद्ध रूप में भगवान की भोग लगाओ, ठीक है? भोग लगा करके बच्चों को खिलाओ, कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा, ठीक है? और एक काम करना, एकादशी व्रत रखते हो? एकादशी व्रत कौन कौन रखते हो? सही सही बताओ कौन करेगा, हाथ जोर से हाथ उठा ना, धीरे धीरे क्यों हाथ उठा, जोर से हाथ उठा। देखो ये जो एकादशी व्रत है, सुन लो एकादशी के बारे में, एकादशी कथा सुन, देखो कथा ज्ञान की बात सुनोगे ना तुम्हारी भावना भी आएगी, अच्छा तरह सुनो एकादशी में क्या होता है, कहते जो एकादशी व्रत है जितने व्रतों में ये एकादशी व्रत ही सबसे बड़ी व्रत है। एकादशी भागवत में देखोगे एकादशी की कथा भागवत में आती है और कोई व्रत की कथा नहीं आती है। देखो अभी जो एकादशी गई ना 2 दिन पहले, अब बताए वो एकादशी का नाम क्या था, पुत्रदा। पुत्रदा मतलब क्या है, जिसको घर में संतान नहीं हो रही वो एकादशी व्रत करने से घर में संतान की जन्म लेता है, इसलिए उसका नाम पुत्रदा एकादशी। इसलिए ये एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है, कल्पतरु व्रत मतलब क्या, एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगोगे सब मिलेगा, जैसे कोई सोम करते हो, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, अलग अलग व्रत करते होंगे उसका एक फल है, उसका कोई एक फल, लेकिन एकादशी ऐसे के व्रत है उसमें सब फल। कभी एकादशी ग्रंथ पढ़ कर देखे ना, एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिस घर में पैसा की कमी है, घर में पैसा है नहीं, कहते वो एकादशी व्रत कर घर में लक्ष्मी की कृपा। एक एकादशी का नाम पाप बचे, मतलब वो एकादशी करोगे ना तुम्हारे जीवन का सारे पाप उसमें नष्ट हो जाएगा है। एक एकादशी का नाम विजया, विजया मतलब क्या है, वो एकादशी व्रत करने पर तुम्हारे सब जगह में जय जय होगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, मोक्षदा मतलब क्या, जो एकादशी करने से संसार की जन्म मृत्यु से तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। एक एकादशी का नाम अर्णदा, अर्णदा मतलब क्या है, जो एकादशी करने से घर में खूब अन्न आएगा, घर में जिनके घर में अन्न की कमी है वो एकादशी करने से घर में खूब अन्न आएगी। इसलिए देखना 15 दिन में एक एकादशी, हर एकादशी का नाम अलग अलग है, अलग अलग है, हैं? देखो और भी चीज देख लेना, जैसे माताएं अलग अलग व्रत रखती है, कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ है, प्राण जा नहीं रहे, साल साल से पड़ा हुआ, बड़े कष्ट पा रहे, किसी ब्राह्मण को बोला, बोले बाबा इनकी सदगति कैसे होगा,
कोई उपाय है? आप देखना कौन सा व्रत का नाम लेता है। बोला कोई है तुम्हारे परिवार में जो एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता है? और कोई बाहर व्रत का नाम नहीं बोलेगा। इतने महिमा एकादशी की, मैं विदेश जाता हूँ, कुछ दिन पहले विदेश गया था, है विदेश गया था, एक व्यक्ति हॉलैंड में गया था, नेदरलैंड में, वहां पर एक व्यक्ति 2 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, शरीर में केवल हड्डी हड्डी रह गया, गले में उसका प्राण अटका हुआ, किसी तरह से उसकी प्राण नहीं जा रही, इतने पैसा खर्च हो रहा था। मैं जब विदेश गया था उनको पता चला विदेश इंडिया से कोई संत आए, तो मेरे पास में आए, बोले बाबा हमारे पिता बड़ा कष्ट भोग कर रहे हैं, उनको उद्धार नहीं हो रहे, उनको कल्याण कैसे होगा। तब मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गए, बोले मैं जब देखा ना शरीर पूरा बिस्तर में लगा हुआ, प्राण नहीं जा रही, श्वास किस तरह से तोड़ चुका, इतने में सो पाप का फल है ना। तो बोले बाबा इनकी सदगति कैसे होगी। मैंने कहा एक काम करो, अब जितने परिवार के लोग हैं ना मिल करके एकादशी व्रत रखो और उनको एकादशी का फल दे दो। बोले 10 दिन बाकी है, लेकिन एक एक दिन लाख लाख रुपया पीछे खर्चा हो रहा है। मैंने बोला तुम लोग एक काम करो, सब आज संकल्प लो, सबके हाथ में पानी दिया, फूल दिया, बोले मंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ करके बोलो हम सबके सब जो अगली एकादशी आएगी हम सबके सब एकादशी करके फल संकल्प करो। मैं सबके हाथ में फूल पानी देकर संकल्प कराया, 2 घंटा के बाद में जो मैं वापस चला आया ना, 2 घंटा के बाद में उसका शरीर छूट गया। मेरे पास में फोन आया, बाबा आपने क्या जादू किया था, 2 घंटा बाद में शरीर छूट दिया। अरे बोल, इसलिए आप देखना जितने पड़े कोई व्यक्ति अंतिम समय में कोई बड़ा कष्ट भोग कर रहा है, आप देख लेना आप एकादशी व्रत कर फल दे दो उसको, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने महिमा, अगर आप कोई व्रत नहीं करते ना, जैसे सोम मंगल उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एकादशी व्रत अगर नहीं करते सारे दोष लग जाते। एकादशी व्रत अगर नहीं करते आप पुराण पढ़ करके देखो, बोले गो हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, पृथ्वी का जितने सारे पाप है एकादशी व्रत नहीं करने पर अन्न में, ये सारे पाप रहता है अन्न में। इसलिए भागवत में कोई भागवत सुने हो कभी? कौन कौन भागवत कभी सुने हो? आप देखना वहां पर कोई बार व्रत का नहीं आता है, केवल एक एकादशी कथा आती है जिसको अंबरीश महाराज एकादशी व्रत किए, और इतने एकादशी की इतने महिमा अंबरीश महाराज किए, स्वयं दुर्वासा जी आए हैं, उनको उनको निमंत्रण दिया, भोजन टाइम से नहीं करे तो बिगड़ गए उनको पर में, हैं जटा से एक राक्षस को प्रकट किया, सुदर्शन चक्र आकर उसको मार दिया, फिर उसको पीछा किया ब्रह्मा जी को पास, शंकर जी लास्ट में बैकुंठ तक भी चला गया, भगवान तक उसको रक्षा नहीं किया, लास्ट में उनको आकर के माफी मांगना पड़ा अंबरीश महाराज के चरण में। मतलब है जो एकादशी व्रत रखेगा उसको सुदर्शन चक्र स्वयं उनको रक्षा करता है, सुदर्शन चक्र उसको ठाकुर की रक्षा करता है। इतने महिमा एकादशी की, सारे पृथ्वी का सारे व्रत को एक तरफ में कर दो, एकादशी व्रत को एक पल्ले में रखो, कभी उसका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि भागवत में और कोई व्रत का नाम है ही नहीं, केवल एकादशी का व्रत, ठीक है ना। 15 दिन में एक एकादशी आती है, कितना दिन में? 15 दिन में। खूब खाओ लेकिन अन्न मत खाया, ये अन्न में सारे पाप, ये अन्न में सारे पाप रहता है। आप देख लेना एकादशी व्रत करके करनी, भक्ति का जननी है, भक्ति की माँ ही है भगवान के चरण में। एकादशी करने से भगवान के चरण में प्रेम बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है, और प्रेम को द्वारा भगवान को प्राप्त होता है, ठीक है ना। सबसे 15 दिन में एक एकादशी, लेकिन कभी कभी देखना अगर पति पत्नी में लड़ाई होगी ना, 2 दिन 3 दिन घर में एकादशी होती है, लड़ाई हो गई तो 2-3 दिन तक एकादशी चलेगी। देखो ये पुराण में कथा आती है, एक समय पति पत्नी में लड़ाई हो गई, उनको पता नहीं था एकादशी, सबरे सबरे लग गई लड़ाई हो गई, सबरे सबरे लग गई, तो उसने पत्नी ने बोला तुमने सबरे सबरे लड़ाई किया, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने बोली मैं बनाऊंगी तभी तो भोजन करूंगा, मैं भी खाना नहीं बनाऊंगी। दोनों झगड़ा करके एकादशी किए, जानते हो दूसरे जीवन में क्या बने, पृथ्वी का राजा बने, राजा रानी होकर जन्म लिया। अनजान में अगर एक एकादशी करते, जैसे एक आग है, बच्चे को पता नहीं ये आग है, हाथ देगा तो आग छोड़ेगी, बोल दो नहीं छोड़ेगी, तो पता नहीं ये जहर है, अनजान में तुमने जहर खा लिया, जहर छोड़ देगा तुमको? नहीं छोड़ेगा। जब ये चीज नहीं छोड़ते, अगर प्रभु के लिए अगर एकादशी करोगे अनजान में भी, इतने महिमा पुराण पढ़ कर देखो, इतने महिमा, ठीक है ना। सब क्या करना, एकादशी 15 दिन में एक एकादशी आती है, ज्यादा 15 दिन में एक एकादशी आएगी, उस दिन कोई ज्यादा 12 बजे तक कोशिश करना, 12 बजे तक घुसो नहीं खाने के लिए, उसको बाद में जैसे कुट्टू का पकौड़ी, मूंगफली है, आलू की सब्जी, केले, दूध, दही, खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, इतने
हमारे मंदिर में तो बाबा लोग हैं तो कभी एकादशी रहेगा, क्योंकि रोज रोज क्या होता है भाई, दाल भात सब्जी होता है एकादशी का दिन, कुट्टू का पकौड़ी बन जाता है, कभी फ्रूट क्रीम बना देते हैं, कभी मूंगफली और ये मखाना के खीर बनते हैं, बड़े बढ़िया खा रहे एकादशी का दिन, इसलिए 15 दिन का तो चाहिए तो रोज एक एक चीज खाते हो, इसलिए ठीक है ना, इसलिए खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हैं? नवरात्रि जैसे रखते हो 9 दिन तक रख लेती कि नहीं, हैं? अरे 15 दिन में एक एकादशी आएगी, सबके सब एकादशी व्रत रखी हो, ठीक है, और सबके सब गले में तुलसी की जैसे कंठी ना, देखो एक मेरे तरफ में गले में तुलसी की सब कंठी पहनना, ये तुलसी नहीं ये लक्ष्मी है, आप तो हिंदू लोग जानते होंगे जैसे नारायण के साथ में तुलसी की शादी होती है, लक्ष्मी है गले में तुलसी कंठी, मतलब माँ लक्ष्मी की निवास हो, भगवान जब ये जगत छोड़ कर गए अपने आप को कहाँ छोड़ कर गए, तुलसी में छोड़ कर गए, है तुलसी में भगवान के बाके बिहार की निवास, जब महाराज कह रहे जमदूत को जिसके गले में तुलसी कंठी उसको जमपुरी कभी नहीं आएगा, मना कर दिया, अगर देख लेगा ना कल देखो जो प्रभु की भजन नहीं करते उनको ले आना, फिर पता कहीं चलेगा, बोले दो तरह के कुत्ते हैं, एक पालतू कुत्ता एक फालतू कुत्ता, जो पालतू कुत्ते हैं ना गले में देखना पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी घर के कुत्ते हैं, और फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के जो रोड रोड में घूमते हैं, अब देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी है ना हम पालतू है, किसकी पालतू है, ठाकुर जी के, बांके बिहारी के पालतू है, क्या है ये कबीर स्वयं ये बात को कहते हैं, बोले हम कुत्ते किसी को बोलने लगे ना तो जेल हो जाएगा इसको, केस हो जाएगा, इसलिए गले में अगर तुलसी कंठी हो तो हम किसकी पालतू है, ठाकुर जी की, इसलिए गले में तुलसी कंठी रहेगा तो कभी जमपुर नहीं जाओगे, और जरूर तिलक आप लोग लगाया करना है, तिलक की बड़ी महिमा है, हैं ये देश है आप लोगों ने हिंदू है देखना, जैसे कोई अच्छे काम के लिए जाता है ना तिलक लगा देते हैं, जैसे घर में ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आता है जब तक तिलक नहीं लगेगा पूजा नहीं करता है, तिलक की बड़ी महिमा है, ये जो तिलक हम लगाते हैं ना 12 जगह पर, इसका नाम ललाट के सवाई नमो उदर नारायण बखे माधव कंठी, 12 जगह में ये भगवान की निवास है, अगर तिलक कोई लगाएगा तो कोई ग्रह कोई पीड़ा कोई उसको ऊपर में दुख दारिद्र उसको ऊपर में कोई जादू टोना उल्टा पलटा कुछ भी काम नहीं करता है, अगर ये तिलक अगर ललाट में रहेगा, देखो कहीं बात कृष्ण को देखो देखो वहां देखो तिलक तिलक है कि नहीं, कृष्ण को वहां तिलक है नहीं, शंकर जी का तिलक है नहीं कि, देखो भगवान हनुमान जी का देखो तिलक है कि नहीं, वहां पर भगवान राम को देखो तिलक है कि नहीं, सब ठाकुर भी तिलक लगाते हैं, ठाकुर जी देखो तिलक है कि नहीं, देखो शंकर जी को देखो तिलक है कि नहीं, कृष्ण को देखो तिलक है, कृष्ण भगवान भी तिलक लगाते हैं, ये तिलक की बड़ी महत्व है, ठीक है ना, ये गोपियों की चरण धूली तिलक का बड़ी महत्व, तिलक कंठी माला सब लगाओ और भगवान की खूब भगवान की भक्ति करो भजन करो, ठीक है, और देखो अगर घर में तुम्हारे किसी बच्चे का बर्थडे है तुम्हारे शादी की सालगिरह है घर में, हमारे मंदिर से संतों को बुलाओ, घर में कीर्तन होगा भगवान की कथा होगी, हम लोग वेद मंत्र से ही बच्चों का आशीर्वाद देते हैं, अगर पति पत्नी के शादी का सालग्रह होता है उनको भी आशीर्वाद देते हैं, उनका आशीर्वाद लेने से हमारा जीवन सुखमय होता है, अगर इधर उधर लोग को बुलाओगे फिर दारू फारू पिएंगे उल्टा पुल्टा काम करेंगे फिर तो उसमें पाप होता है, ठीक है, पास में घर में बुला देना, और भागवत में बताया जिस घर में भक्त लोग आए घर में हरि कीर्तन हो गया वो घर घर नहीं वो भगवान का धाम बन गया, भगवान की, इसलिए कृष्ण नारद जी कृष्ण को कहते बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो, देखो ठाकुर क्या कहते हैं, मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठा मि नारद, हे नारद मैं वही रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन बैठे करके मेरे सत्संग करते हैं मेरे कीर्तन करते हैं मैं वही रहता हूँ, है घर में अगर कीर्तन हो ना घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, घर का सारे पाप दूर हो जाता है, घर भगवान की धाम बन जाए, इसलिए आप लोग भी जैसे ये माता जी ने घर में बुलाया आप भी अपना घर में बुलाना, बुलाओगे कौन बुलाएगा, जिन जिन को घर में नहीं गए सब बुलाना, ठीक है ना, कोई खर्चा ज्यादा नहीं लगेगा, हम लोग को बुला लेना, हम कीर्तन करेंगे अच्छी भगवान की कथा सुनाएंगे बच्चों को ऊपर में, अच्छे बच्चों को ऊपर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बच्चे उल्टा पुल्टा रास्ता में नहीं जाएंगे, समझ रहे हो, देखो इधर सुनो, एक समय हमारे बड़े गुरु जी को किसी ने कहा बोले गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते, अब घर घर में जाओ की बात कहते बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, गुरु जी ने बोले बेटा रामायण कभी पढ़े हो, बोले नहीं, बोले बच्चों को रामायण पढ़ाया, बोले नहीं, बोले रामायण जो पढ़ेगा नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे तो नहीं सुनते, क्यों रामायण में लिखा हुआ है भगवान सवेरे उठकर क्या करते थे, प्रात उठ ही रघुनाथा मात पीत गुरु नवी माता, ठाकुर जी सवेरे उठ करके पहले पिता माता की चरण छूते थे, रामायण देखे कि नहीं, देखे हो जब दशरथ महाराज शयन करते हैं कृष्ण राम स्वयं उनके चरण की सेवा करते हैं,
अगर बच्चों को रामायण पढ़ाओगी, भागवत पढ़ाओगी, संतों के साथ में उनको आना जाना रहेगा, फिर बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तुम्हारे घर में। बच्चे कभी दारू नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, उल्टा सीधा काम में नहीं जाएंगे बच्चे लोग। इसलिए बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े, पिता माता की सेवा करे, बच्चे भक्ति करे, भजन करे, फिर घर भगवान का धाम तुम्हारे घर बनेगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो पता चले यहाँ सत्संग हो रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी आज के आनंद की जय। एक भजन सुन, भोले शिवा के बिहारी लाल की जय। ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना I'm not afraid.
जैसे अब लोग बच्चे है कि नहीं, बच्चे है तुम लोग? हमारा मंदिर में एक बाबा है कि बच्चों को अच्छे सेमिनार देता है, बच्चों को जैसे बच्चे उल्टा रास्ता में नहीं जाए, उल्टा माता की बात हैं और गंदे रास्ता पर नहीं जाए, पढ़ाई बच्चों को अच्छा हो, एक मंदिर में बाबा बहुत अच्छे क्लास देता है, इसलिए हमारे मंदिर में कितना सात होता है, जो जो अगली महीना जो 7 और 8 तारीख को 2 दिन वहाँ पर सेमिनार होगा, उनको प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे अच्छे से क्लास देते हैं, इसलिए आप लोग अपना और वहाँ पर प्रसाद भी 2 दिन प्रसाद भी मिलेगा वहाँ पर,